दोस्तों सबसे पहले मुझे कमेंट करके आप ये बता दो कि आपका इंडक्शन प्रोग्राम का जो डेट है दोस्तों आ चुका है कि नहीं आ चुका है। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को डेट मिल चुका है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में उनका इंडक्शन प्रोग्राम है। तो आप भी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका कब है, तो जिससे मुझे एक प्रॉपर आइडिया आएगा और मैं उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपको बना के दूंगा। अगर आप चाहोगे तो प्लीज नीचे लिखना। दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैं आपके एक बड़े भाई या दोस्त के नाते बहुत ही अपना फर्ज बहुत ही अच्छे से निभा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करते जा रहा हूँ, हर पॉइंट पे चीजें बताते जा रहा हूँ। और ये रीजन है कि आप जब कॉलेज में जाओगे तो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार रहोगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और आउट ऑफ मार्क्स कैसे ला सकते हैं, हर चीजों पर मैं बात करने वाला हूँ। पूरा का पूरा वीडियो सुनना, अगर आप आधा अधूरा वीडियो सुनोगे तो आधा अधूरा नॉलेज रहेगा। और अगर आप खुद उस फील्ड में जा रहे हो और अपने लिए आप 10 मिनट नहीं दे पा रहे हो उस चीजों को समझने के लिए, और जरूर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आइडिया आ जाएगा, तो आपके लिए आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आप पढ़ना क्या है, कैसे चीजों को कवर करना है, सब चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अच्छे से आपको पूरा का पूरा वीडियो सुनना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूं। आने वाले टाइम में कुछ नए सब्जेक्ट्स भी इस चैनल पे आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बस सपोर्ट करो। कुछ लोग बोल रहे हैं ना सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करो, मैकेनिक्स करो, करूंगा, पर आप सपोर्ट दिखाओगे तो ना। मैकेनिक्स जल्दी से 250 तक पहुंचा दो, मैकेनिक्स चालू हो जाएगा, मैंने बोला, और मैं खुद पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। 250 तक आप पहुंचा दो जल्दी से, इसलिए बोल रहा हूँ कि फटाफट सब्सक्राइब करने में कौन सा टाइम जाता है। दोस्तों चलते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है। देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट, वीडियो को लाइक भी कर देना यार। अब देखो फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सबसे पहले मैं बोल दूं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, सभी यूनिवर्सिटीज का सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटीज का एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस डाउनलोड करना है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने सिलेबस को अपडेट किया है। अब जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा दोस्तों, कहीं कहीं पे टीई करके लिखते हैं थियरी एग्जाम, कहीं कहीं पे वो ईएसई लिखते हैं एंड सेम एग्जामिनेशन, और दोस्तों साथ में कहीं पे वो आईई लिखेंगे, कहीं पे वो आईई लिखेंगे, और कहीं पे वो सीसीई। अब देखो ऐसे अलग अलग कहीं पे अलग अलग चीजों से लिखा रहेगा। तो दोस्तों देखो ये मतलब क्या है, दोस्तों आपका थियरी एग्जाम है ये तो लास्ट में होने वाला है, इसके लिए तो बहुत ही जोरदार तैयारी चाहिए। इसके लिए एक भी पॉइंट पे अगर चूक गए आप तो मेनली बहुत सारे लोग यहाँ ही पे घायल होते हैं, पर यहाँ पे आप इस तरह से तैयार हो जाओ कि कम से कम यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अगर बहुत ही मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पे 70% 80% आप मार्क्स स्कोर करो। बट ये सब जो होते हैं दोस्तों ये इनडायरेक्टली यूनिट टेस्ट है, कहीं पे यूनिट टेस्ट एक ही होता है, कहीं पे दो होता है, कहीं पे यूनिट टेस्ट का जो मार्किंग है दोस्तों वो 20-20 का रहता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज में, कहीं पे 30 का रहेगा, फिर उसमें से 12 मार्क्स का बस यूनिट टेस्ट होगा, फिर बाकी का असाइनमेंट के मार्क्स कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि आपसे कुछ केस स्टडी ले, अलग अलग चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, वो आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे लगभग ये इसके ऊपर सभी यूनिवर्सिटीज को मैं कवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सबका पैटर्न क्या क्या है। अब देखो दोस्तों एक चीज तो आपको इंजीनियरिंग में समझ जाना है कि ये जो यूनिट टेस्ट है ये यूनिट टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर ये कंडक्ट कौन करेगा, तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडक्ट कॉलेज लेवल पे ही होगा, कॉलेज लेवल पे ही कंडक्ट होगा। तो एक चीज तो सबसे अच्छा है कि इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सर क्वेश्चंस क्या होगा। तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक देते हैं, क्वेश्चन बैंक एक तरह से बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन बैंक से क्या हो जाता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं 20 क्वेश्चंस देते हैं, कुछ होता है 15 क्वेश्चन देते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस 50 क्वेश्चंस देते हैं क्वेश्चन बैंक पे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन बैंक एक बच्चों के लिए अच्छा भी है पर एक आपको बुरा आदत भी डालता है। क्वेश्चन बैंक से कैसे होता है कि अगर समझो आपको 10 क्वेश्चन पता चल गया उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इस यूनिट टेस्ट में मार्क्स तो मिल गए, पर आप क्या करते हो पता है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, और उससे क्या होता है कि जब लास्ट वाला एग्जाम चलता है तो उस टाइम पे आपकी हालत खराब हो जाती है, पूरा सिलेबस आपका बाकी रहता है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करो पर अपना सिलेबस भी रेडी करो, नहीं तो लास्ट वाला जो एग्जाम होगा ना तब पता चलेगा यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे मैं तो बस इतना सा ही पढ़ा हूं,
तो इसलिए आप यूनिट टेस्ट जब तैयार कर रहे हो तो आप इस तरह से तैयारी करो कि अपना 100% पार्ट, हाँ टीचर ने जो क्वेश्चन बैंक दिया उसको भी रेडी कर लो, मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है तो मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस क्वेश्चन बैंक देते हैं, क्वेश्चन बैंक। अब समझो किसी कॉलेज ने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया यूनिट टेस्ट का, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में कोई कोई टीचर्स क्वेश्चन बैंक नहीं देते यूनिट टेस्ट का, तो सर मैं आउट ऑफ मार्क्स कैसे लेकर आ सकता हूँ? बहुत सिंपल है, आपके कॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा आपके क्लास में जिसका अटेंडेंस दोस्तों 100% होगा, आपको बस क्या करना है दोस्तों, उससे दोस्ती करना है। दोस्ती मतलब उसके साथ घूमना नहीं है, बस उसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना है, और उससे जो भी वो बुक्स है जो कॉलेज में जो भी टीचर्स ने जो जो चीजें उसमें लिखवाई है उसके बुक में वो लिखा होना चाहिए। पता चला 100% अटेंडेंस वो लिख ही नहीं रहा है तो गलत हो जाएगा। जो जो टीचर्स ने लिखवाया है, जो जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं, वो बस आप उससे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना या फोटो ले लो, इंजीनियरिंग में तो फोटो का ही चलता है सब, फोटो ले लो फटाफट फटाफट। फोटो लेने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि टीचर ने क्लासरूम में क्या क्या कराया। और हमेशा देखा गया कि कोई भी टीचर्स जब क्लास में पढ़ाता है तो हर टॉपिक में वो 200-300 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराता, मोस्टली वो हर टॉपिक में 10 क्वेश्चन के आसपास ही चीजें सॉल्व कराता है, तुरंत टॉपिक चेंज हो जाता है, टॉपिक दूसरा आ जाता है। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो क्लास में टीचर्स कराए हैं यूनिट टेस्ट में वही क्वेश्चन वो देंगे। तो इससे क्या होगा पता है दोस्तों, अगर समझो आपको यहाँ पे 20 out of 20 और आराम से आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। अब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों आपके 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के 7 मार्क्स के 8 मार्क्स के इवन 8 मार्क्स तक जाता है, 7, 6 या 5 ये मार्क्स का आपका पैटर्न होता है। बट आपका यूनिट टेस्ट का जो पैटर्न है दोस्तों, जैसे अगर समझो मेरा 20 मार्क्स का है तो आपको 5, 5, 5, 5 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 ही क्वेश्चन आएंगे। आप बोलोगे 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है, आप सोचोगे 1 मार्क्स का आएगा 2 मार्क्स का आएगा, ये सब नहीं आने वाला है। एक ही साथ में वो क्या करेंगे दोस्तों, 5, 5, 5, 5। अब इससे आपको सीखने की जरूरत है, आप जब 12th क्लास में आपने मोस्टली आपका जो पेपर है दोस्तों 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में लिखा, जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चंस अच्छे से आ नहीं रहे थे, ये क्वेश्चंस किया ये किया और ये। इवन 3rd मार्क्स के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को हाफ ही अटेम्प्ट किया था, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया था पर क्वेश्चन हाफ ही अटेम्प्ट हुआ था, ये आपने किया था। और प्लीज नीचे कॉमेंट करना ऐसा हुआ था कि नहीं आपके साथ, आपने बहुत प्रैक्टिस किया था बट कभी कभी डेरिवेशन इवन मैथ्स के क्वेश्चन आधे ही सोल्व होता है, आगे आता ही नहीं है। रीजन क्या होता है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आप इंजीनियरिंग में जाओगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इवन अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो 10-10 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल 10 मार्क्स, मतलब अराउंड 6 न्यूमेरिकल आएगा, 60 मार्क्स। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपका कैसा होगा दोस्तों, डिजाइन रहेगा, तो मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे। तो आपके दिमाग को इतना फास्ट आपको बनाना है कि आपको कम से कम एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 2-2 पेज लग जाते हैं दोस्तों। कुछ कुछ तो जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे आगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कोर फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उसको लिखने में कम से कम 4 से 5 पेज का टाइम लगता है, पर 10 मार्क्स पूरे देते हैं। बट दोस्तों वो 10 मार्क्स अगर आपको पूरे चाहिए तो वो भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से पेपर लिखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स लिखे, मैंने बहुत सारे थियरी पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इंजीनियरिंग में, कि थियरी पेपर्स में कैसे चीजें को कवर करना है, क्या करना है। अगर आपने यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस किया था दोस्तों, एक अगर समझो आपका 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट, अगर समझो आपने 20 ला दिया, मैंने आपको पहले ही बोला कि टर्म वर्क इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देन दोस्तों टर्म वर्क के बाद जो आपका वाइवा ये सब होगा तो यहाँ पे भी आपको अच्छे मार्क्स है। तो अगर थियरी एग्जाम में अगर समझो आपने 60% मार्क्स स्कोर किया तो भी आप 9 पॉइंटर क्रॉस कर सकते हो, देखना आप बहुत सारे रिजल्ट ऐसे होते हैं। अगर समझो आपने यहाँ पे 60% स्कोर किया मार्क्स, तो भी हो सकता है कि आप 8 या 9 पॉइंटर, 8.5 के आसपास या 9 पॉइंटर के आसपास आप पहुंच जाओ, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस है कि आप यूनिट टेस्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने यूनिट टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है, जैसे आपके पास अगर समझो 1, 2, 3, 4, 5 कहीं कहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट है, तो आपको मोस्टली यही 2 पैटर्न में यूनिट्स रहते हैं, 6 से ज्यादा यूनिट कहीं पे नहीं हो सकता, लगभग 6 के आसपास ही है। लगभग मैं इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज को फॉलो करता हूँ तो मैं सभी के सिलेबस देखता हूँ, तो 6 ही यूनिट के आसपास चीजें रहती है। अब ज्यादा चांसेस है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये 2 यूनिट आए, कोई कोई लोग दोस्तों ये और 2 रखते हैं,
कोई कोई दोस्तों ये और ये रखता है जो इजी रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स के लिए ये दो इजी है तो पहले वो दो स्टार्ट करते हैं, पर कहीं कहीं पे ज्यादातर वो स्टार्टिंग के दो लेते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के ऑलरेडी हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। प्रदीप गिरी अकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग उस कोर्सेज से जुड़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा यूट्यूब और एप्लीकेशन के लेक्चर्स अलग होते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ पे आपको जितने मैं सम्स कराऊंगा आपके यूनिवर्सिटी वाइज रहेगा, और उस सम के बाद आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला। आपको इस वीडियो से दोस्तों देखो क्या क्या सीखने मिला। सबसे पहले कि आपको थियरी पेपर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। थियरी यूनिट टेस्ट में जब आपको क्वेश्चन बैंक कॉलेज देगा तो बस क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रहना, अपना थियरी भी आपको स्ट्रांग करते रहना है। तीसरी चीज आपने ये सीखा कि क्वेश्चन बैंक अगर कॉलेज नहीं देता है तो हम कैसे मार्क्स स्कोर करें। चौथी चीज आपने पैटर्न सीखा कि कब लगभग 5-5 मार्क्स या 6-6 मार्क्स या 8 मार्क्स तो यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा, 5-6 में ही वो खेलेंगे। ज्यादातर 5 मार्क्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपका 15 मार्क्स 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट रहे, 12 मार्क्स का यूनिट टेस्ट रहे, तो हो सकता है कि 6-6 मार्क्स के ऐसे कवर कर दे, दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऑप्शन में दे दे। पैटर्न इस तरह से आपके यूनिवर्सिटीज का पैटर्न है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बहुत सारे सिलेबस अपडेटेड हुए हैं, तो प्लीज आपको वो सिलेबस के बारे में ध्यान रखना है। तो लगभग मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप नीचे मुझे मोटिवेट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से टॉपिक पे बनाऊं दोस्तों वो भी आप मुझे बता सकते हो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चीजों को शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों।